हेलो, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कैपेसिटर। सो फर्स्ट कैपेसिटेंस इज चार्ज्ड बाय एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा देखिए क्या क्या गिवन हमें है। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 20 माइक्रो फैरड। सो 20 माइक्रो फैरड, सो 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 6 फैरड। एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू 10 किलो वोल्ट, मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 वोल्ट। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी नो दैट फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्लियर? तो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्यू इज इक्वल टू सी, सी है आपके पास 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 6। और वी की वैल्यू क्या है, वी है 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। कैलकुलेट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 3। सो क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 1। ये 10 टू पावर 2 है और वो पॉजिटिव नेगेटिव 3 है, तो 10 टू पावर नेगेटिव 1। इट मीन्स क्यू क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आपके पास आ जाएगा 0.2 कूलम। तो इस तरह से चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। किलो वोल्ट है, इसको वोल्ट में चेंज कर लेंगे, माइक्रो फैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, वो है वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू, क्या था भाई फॉर्मूला याद है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन बी। ठीक है, अब क्या क्या हमें गिवन है वो देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। नाउ इफ द एरिया इज इंक्रीज टू टाइम्स, एरिया को कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है, टू टाइम्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज मेड हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर रहा है। सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू तो ये आ रही है, एरिया को टू टाइम्स इंक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर, एरिया तो हो जाएगा ए डैश बाय टू, एंड टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो लेट अस कंसीडर एरिया ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, और जो डिस्टेंस है डी डैश वो जाएगी डी बाई टू। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट इनटू टू ए अपॉन डी बाई टू। ये टू ऊपर जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो टू और टू फोर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो सी, ये सी डैश आ गया, सी डैश इज इक्वल टू फोर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू सी, इसका मतलब पहले से जो कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया को हम कर देंगे 2 टाइम्स और
डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बिटवीन उसको हाफ कर देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करना, जो वीडियो चल रहा है उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।